हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एडुकेशन हब में। आज परीक्षा मंथन कंप्यूटर बुक का सेकंड चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। आंसर है चार्ल्स बेबेज। आईबीएम का पूरा नाम है, आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का पहला गणक यंत्र है, आंसर है अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज ने। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, आंसर है एनीएक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, आंसर है यूनिवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई थी, आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, आंसर है बल्ब या निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, आंसर है सिलिकन और जर्मेनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, आंसर है सेमीकंडक्टर से। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है, आंसर है समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप्स पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप का दूसरा नाम है, आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है, आंसर है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। इस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोप्रोसेसर का विकास किया था, आंसर है इंटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, आंसर है चौथी पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है, आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, आंसर है एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, आंसर है पीसी या पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर को आसानी से साथ ले कर घुमा जा सकता है, आंसर है लैपटॉप। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, आंसर है PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक छोटा हैंड डेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ कराने में सहायता करता है, आंसर है नेटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूर्ण रूप है, आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है, आंसर है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं, आंसर है मल्टीप्रोसेसिंग। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, आंसर है CRC। CRC का फुल फॉर्म है
क्राई रिसर्च कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, आंसर है अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं, आंसर है 5। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था JP एकट तथा जॉन मुचली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था, आंसर है निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, आंसर है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, आंसर है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम, आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं, आंसर है हजारों माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं, आंसर है सुपर कंप्यूटर। परमपद क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, आंसर है CDEC पुणे के द्वारा। CDEC का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, आंसर है NAL बेंगलुरु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, आंसर है सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, आंसर है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDEC का संबंध है, आंसर है सुपर कंप्यूटर से। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आंसर है बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं, आंसर है यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, आंसर है मार्टिन कूपर ने। चलिए आज का MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है परमपद, सेकंड ऑप्शन है फ्लो सॉल्वर, थर्ड ऑप्शन है चिप्स, फोर्थ ऑप्शन है अनुपम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, ऑप्शन है रूस द्वारा, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है USA द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है जापान द्वारा। इसका सही आंसर है USA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, हॉल रेप, थर्ड ऑप्शन है लेबनीज, फोर्थ ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है, ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन का, सेकंड पन का, थर्ड क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर D स्वर्ण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A का पहला गणक यंत्र, ऑप्शन नंबर A अबेकस, ऑप्शन नंबर B ENIAC, ऑप्शन नंबर C इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है A, ऑप्शन नंबर A अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर A डिजिटल संकेतों का, ऑप्शन नंबर B एनालॉग संकेतों का, ऑप्शन नंबर C दोनों का, ऑप्शन नंबर D किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर A IBM ने, ऑप्शन नंबर B एप्पल ने, ऑप्शन नंबर C इंटेल ने, ऑप्शन नंबर D HCL ने। इसका सही आंसर होगा इंटेल ने।
ऑप्शन नंबर सी इंटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम है एक चिप, ऑप्शन नंबर बी एक कंपनी, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए SSIC, ऑप्शन नंबर बी MSIC, ऑप्शन नंबर सी VLSIC, ऑप्शन नंबर डी ULSIC। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ULSIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबिस को, ऑप्शन नंबर बी लेडी एडा अगस्टा को, ऑप्शन नंबर सी एप्पल को, ऑप्शन नंबर डी IBM कंपनी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेडी एडा अगस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI, BI, CI या DI। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली PC वास्तव में है, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी परम 10,000, ऑप्शन नंबर डी IBM चिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है, पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, ऑप्शन नंबर बी UNIVAC, ऑप्शन नंबर सी MACH3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबिस को, ऑप्शन नंबर बी JS Kelvey को, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट नोई को, और ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी व सी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए परम, ऑप्शन नंबर बी अनुपम, ऑप्शन नंबर सी पेस, ऑप्शन नंबर डी विप्रो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विप्रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, CDAC का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर बी TV, ऑप्शन नंबर सी टेलीमेटिक्स में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी समकलित परिपथ चिप्स, ऑप्शन नंबर सी नैनो पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी अतिचालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स ने, ऑप्शन नंबर बी बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबिस ने, ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबिस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइबर से, ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी, ऑप्शन नंबर बी एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबिस ने। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन 1939 में जॉन एंटेनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सी डैक, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी बाग, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी डैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए नाल बेंगलोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सी डैक के पुणे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बाक मुंबई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाल बेंगलोर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था मनी ऑक, ऑप्शन नंबर बी एनिक, ऑप्शन नंबर सी यूनिवेक, ऑप्शन नंबर डी ईवेक। इसका सही आंसर है यूनिवेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए शुभम, ऑप्शन नंबर बी परम, ऑप्शन नंबर सी SX2, ऑप्शन नंबर डी BBC माइक्रो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परम। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, एडम अर्सबर्न ने प्रथम सुबह अभिकलित विकसित किया था। सेकंड कथन है, इयान विलमुट ने प्रथम कृतंग भेड़ की उत्पत्ति की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल वन, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल वन और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या था। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी कोड स्मृति, ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक स्मृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बल्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वर, ऑप्शन नंबर बी चिप, ऑप्शन नंबर सी रोबोट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम्बेडेड कंप्यूटर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप, ऑप्शन नंबर डी नोटबुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनमें से, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।